भारत की प्रमुख नदियां। नदी गंगा उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी 3,900 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पर, संगम अथवा मुहाना बंगाल की खाड़ी, लंबाई 2,655 कुल 2,525 भारत में। शेष विशेष। गंगा वस्तुतः भागीरथी व अलकनंदा नदियों का संयुक्त नाम है। सहायक नदियां यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती आदि। नदी कोसी उद्गम स्थल गोसाई थान चोटी के उत्तर में, संगम अथवा मुहाना कारागोला के दक्षिण पश्चिम में स्थित गंगा नदी, लंबाई किलोमीटर में 730। शेष विशेष। सहायक नदियां सून कोसी, दूध कोसी, तांबा कोसी, लीखू, यारू, इंद्रावती, भोट कोसी, तामूर कोसी आदि। कोसी की मुख्य धारा है अरुण नदी, जिसे तिब्बत में पंगचू नदी कहते हैं। नदी कावेरी उद्गम स्थल कर्नाटक का ब्रह्मगिरी पहाड़ी, संगम अथवा मुहाना बंगाल की खाड़ी, लंबाई 805 किलोमीटर। शेष विशेष। ये नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। प्रमुख सहायक नदियां वर्धा, कुमुदवती, मगारी। नदी हुगली उद्गम स्थल ये गंगा नदी की एक सहायक नदी है, संगम अथवा मुहाना बंगाल की खाड़ी, लंबाई नहीं दी गई है। शेष विशेष। सहायक नदी जलांगी हुगली नदी पश्चिम बंगाल स्थित धुलिया के दक्षिण गंगा से अलग होती है। नदी साबरमती उद्गम स्थल अरावली पर्वत कोष्टक में उदयपुर जिला पर स्थित जय समुद्र झील, संगम अथवा मुहाना खंभात की खाड़ी, लंबाई 300 किलोमीटर। शेष विशेष। सहायक नदियां माजम मेशवा बाकल सावर हाथमती आदि। नदी व्यास उद्गम स्थल रोहतांग दर्रे के पास स्थित व्यास कुंड से, संगम अथवा मुहाना सतलज नदी, लंबाई 625 किलोमीटर। शेष विशेष। सहायक नदियां पार्वती साइंज तीर्थन ऊहल। नदी यमुना उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमानी, संगम अथवा मुहाना प्रयाग इलाहाबाद में गंगा, लंबाई 1376 किलोमीटर। शेष विशेष। सहायक नदियां चंबल बेतवा केन गिरी सिंधु काली। नदी सतलज उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट स्थित राकस्थल, संगम अथवा मुहाना चिनाब नदी, लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर, भारत में 1050 किलोमीटर। शेष विशेष। शिवालिक पर्वत श्रृंखला को पार करती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। नदी सिंधु उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील के पास 5180 मीटर की ऊंचाई पर, संगम अथवा मुहाना अरब सागर, लंबाई 3880 कुल, भारत में 1134 किलोमीटर। शेष विशेष। सहायक नदियां चिनाब रावी व्यास झेलम तथा सतलज। नदी रावी उद्गम स्थल कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास, संगम अथवा मुहाना चिनाब नदी, लंबाई 725 किलोमीटर। शेष विशेष नहीं दिया गया है। नदी नर्मदा उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से, संगम अथवा मुहाना खंभात की घाड़ी, लंबाई 1312 किलोमीटर। शेष विशेष। सहायक नदियां हथनी गोई शर बुढ़नेर कुंडी तिंदेसी देव अर्रा आदि। ये नदी डेल्टा की जगह पर एश्चुरी का निर्माण करती है। इसी में कपिल धारा जलप्रपात है, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट के पास है। नदी झेलम उद्गम स्थल शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, संगम अथवा मुहाना चिनाब नदी, लंबाई 724 किलोमीटर कुल, भारत में 400 किलोमीटर। शेष विशेष। सहायक नदी है किशनगंगा पुंच करवेस। नदी चिनाब उद्गम स्थल लाहुल में बरालचा दर्रे के विपरीत दिशा में 4900 मीटर की ऊंचाई पर, संगम अथवा मुहाना त्रिमू के निकट झेलम नदी में, लंबाई 1180 किलोमीटर भारत में। शेष विशेष। सहायक नदियां हैं रावी चंद्रा भागा। पृष्ठ 371। नदी लूनी उद्गम स्थल अरावली पर्वत, संगम अथवा मुहाना कच्छ की खाड़ी, लंबाई 320 किलोमीटर। शेष विशेष। सहायक नदियां सुखरी मिछड़ी बाड़ी आदि। थार मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो जाने वाली ये नमकीन पानी वाली नदी है। नदी घग्गर उद्गम स्थल हिमाचल क्षेत्र कालका के पास, संगम अथवा मुहाना फतेहाबाद आगरा में, लंबाई 490 किलोमीटर। शेष विशेष। थार मरुस्थल में जाकर विलुप्त हो जाती है। नदी
घाघरा कोष्ठक में सरयू उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर के पास का राक्षस ताल, संगम अथवा मुहाना छपरा से आगे गंगा नदी, लंबाई 1080 किलोमीटर। शेष विशेष सहायक नदियां छोटी गंडक, शारदा, ताप्ती, ये करनाली या कौरेयाला भी कहलाती है। इसमें शीश पानी नामक 180 मीटर गहरा खड्ड है। नदी शारदा कोष्ठक में काली नदी, उद्गम स्थल कुमायूं के निकट मिलाम हिमनद, संगम अथवा मुहाना बहराम घाट के पास घाघरा नदी में, लंबाई 480 किलोमीटर। शेष विशेष सहायक नदियां हैं चौकिया, लिसार, सरमा, सरयू या पूर्वी रामगंगा। नदी चंबल उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में मऊ के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी, संगम अथवा मुहाना यमुना नदी, लंबाई 966 किलोमीटर। शेष विशेष देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण। सहायक नदियां काली, सिंध, पार्वती, सिप्ता, बनास। नदी रामगंगा उद्गम स्थल नैनीताल के समीप मुख्य हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग, संगम अथवा मुहाना कन्नौज के निकट गंगा नदी में, लंबाई 590 किलोमीटर। शेष विशेष सहायक नदी कोह। नदी बेगाई उद्गम स्थल मदुरई के पास तमिलनाडु, संगम अथवा मुहाना बंगाल की खाड़ी, लंबाई 288 किलोमीटर। सहायक नदियां बराह, मंगलार, कुसुम, वर्षनाड आदि। नदी उमियम उद्गम स्थल मेघालय का उमियम झील, संगम अथवा मुहाना नहीं दिया गया है, लंबाई नहीं बताई गई है। शेष विशेष ये बहुत छोटी नदी है। नदी गंडक उद्गम स्थल धौलागिरी पर्वत श्रेणी कोष्ठक में तिब्बत नेपाल सीमा पर स्थित, संगम अथवा मुहाना पटना के पास गंगा नदी, लंबाई 300 किलोमीटर भारत में। शेष विशेष सहायक नदियां काली गंडक, त्रिशूली गंगा। इस नदी में शालिग्राम नामक गोल पत्थर पाए जाने से नेपाल में इसे शालिग्राम कहा जाता है, मैदानी भाग में ये नारायणी कहलाती है। नदी तुंगभद्रा उद्गम स्थल कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ से, संगम अथवा मुहाना कृष्णा नदी कोष्ठक में कानूल नगर के पास, लंबाई 640 किलोमीटर। शेष विशेष प्रमुख सहायक नदियां वर्धा, मगारी, कुमुदवती, हिंद। तुंग और भद्रा दो नदियों से मिलकर बनी है तुंगभद्रा नदी। कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ की गंगा मूल चोटी से तुंग नदी का और पास स्थित काडूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। नदी पेन्नार उद्गम स्थल कर्नाटक में नंदीदुर्ग पहाड़ी, संगम अथवा मुहाना बंगाल की खाड़ी, लंबाई 597 किलोमीटर। शेष विशेष सहायक नदियां चित्रावती, जयमंगली, कचेरू, पावाधनी आदि। नदी गोदावरी उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिला स्थित त्रयंबक गांव की एक पहाड़ी से, संगम अथवा मुहाना बंगाल की खाड़ी, लंबाई 1450 किलोमीटर। शेष विशेष सहायक नदियां हैं वर्धा, बेनगंगा, इंद्रावती, पूर्णा, प्रवरा, पैन गंगा, सावरी, मानेर, मंजरा, प्राणहिता आदि। इसे दक्षिण गंगा अथवा वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। नदी है कृष्णा उद्गम स्थल महाबलेश्वर के पास पश्चिम घाट, संगम अथवा मुहाना बंगाल की खाड़ी, लंबाई 1450 किलोमीटर। शेष विशेष सहायक नदियां तुंगभद्रा, भीमा, मूसी, अमरावती, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, कोयना आदि। नदी महानदी उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ में रायपुर जिला में सिहावा के पास, संगम अथवा मुहाना बंगाल की खाड़ी कटक के पास, लंबाई 815 किलोमीटर। शेष विशेष सहायक नदियां वैतरणी, ब्राह्मणी, शिवनाथ आदि। नदी सोन उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों में सोनभद्रा से, संगम अथवा मुहाना पटना से पूर्वी गंगा नदी, लंबाई 784 किलोमीटर। शेष विशेष सहायक नदियां कांकर, घग्घर, कोयल, महानदी, बांस, गोपत आदि। इसका उद्गम नर्मदा के पास है। नदी माही उद्गम स्थल विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश के धार जिला स्थित मेहद झील से, संगम अथवा मुहाना खंभात की खाड़ी, लंबाई 533 किलोमीटर। शेष विशेष इस नदी पर बजाज सागर बांध कोष्ठक में बांसवाड़ा बना हुआ है। सहायक नदियां सोन, पनप, अनास। नदी ताप्ती उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास, संगम अथवा मुहाना खंभात की खाड़ी सूरत के पास, लंबाई 724 किलोमीटर। शेष विशेष प्रमुख सहायक नदियां पूर्णा, बोरी, पंजरा आदि। ये नदी डेल्टा के बजाय एस्चुअरी बनाती है। नदी ब्रह्मपुत्र
उद्गम स्थल मानसरोवर तिब्बत झील के पास स्थित कैलाश पर्वत से 5,150 मीटर ऊंचाई से संगम अथवा मुहाना बंगाल की खाड़ी, लंबाई 2,900 किलोमीटर कुल 1,346 किलोमीटर भारत में। शेष विशेष तिब्बत में ये नदी सांपू तथा असम में दिहांग कहलाती है। इसकी सहायक नदियां हैं बूढ़ी दिहांग, दिबोंग, सेसरी, लोहित, नोवा, दिहांग, धनसिरी, कुलसी आदि। नदी बेतवा उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में विन्ध्यांचल पर्वत, संगम अथवा मुहाना यमुना नदी हमीरपुर के पास, लंबाई 480 किलोमीटर। शेष विशेष इसके ऊपरी मार्ग में कई झरने हैं, सहायक नदियां बीना, घसान। नदी आयड़ उद्गम स्थल उदयपुर की गोरमुंडा पहाड़ियां, संगम अथवा मुहाना बनास नदी चित्तौड़गढ़ के पास, लंबाई 190 किलोमीटर। शेष विशेष इसे आयड़ नदी के साथ साथ बेडज नदी या उदय सागर झील भी कहते हैं। पृष्ठ 372। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। कावेरी नदी में शिव समुद्रम जल प्रपात तथा श्रीरंगपत्तम और शिव समुद्रम द्वीपों जो अति पवित्र माने जाते हैं के अवस्थित होने से इस नदी का महत्व बढ़ जाता है। पेरियार झील के उद्गम स्थल से निकलने वाली पेरियार नदी केरल में बहने वाली एक छोटी नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो यानी कि शुद्ध और पवित्र करने वाली कहा जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नाम से पुकारा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई के अनुसार घटता क्रम इस प्रकार है। पहला गोदावरी, दूसरा कृष्णा, तीसरा नर्मदा, चौथा महानदी, पांचवा कावेरी और छठा ताप्ती। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। पहला महानदी, दूसरा गोदावरी, तीसरा कृष्णा, चौथा पेन्नार, पांचवा कावेरी एवं छठा वेगाई। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य 1960 ईस्वी में हुए सिंध जल समझौता संधि के अनुसार भारत इस नदी के केवल 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। विश्व के सबसे बड़े डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धाराएं बंगाल की खाड़ी में मिलने से पूर्व करती हैं। विश्व का सबसे लंबा बांध हीरा कुंड महानदी पर स्थित है। गोदावरी के विशाल आकार व विस्तार के कारण इसे वृद्ध गंगा अथवा दक्षिणी गंगा नामों से जाना जाता है। गुजरात की जीवन रेखा लाइफ लाइन ऑफ गुजरात के नाम से नर्मदा नदी को जाना जाता है। मेघना की सहायक नदी है बराक और इस नदी का उद्गम मणिपुर की पहाड़ी है। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल का निर्माण सतलज नदी पर हुआ है। भारत की प्रमुख झीलें झील अनंतनाग झील संबंध राज्य जम्मू कश्मीर, झील डल झील संबंध राज्य जम्मू कश्मीर श्रीनगर, झील शेषनाग झील संबंध राज्य जम्मू कश्मीर, झील वुलर झील संबंध राज्य जम्मू कश्मीर, झील नागिन झील संबंध राज्य जम्मू कश्मीर, झील बैरीनाग झील संबंध राज्य जम्मू कश्मीर, झील मानस झील संबंध राज्य जम्मू कश्मीर, बेम्बानाड झील संबंध राज्य केरल, लोकटक झील संबंध राज्य मणिपुर, कोलेरू झील संबंध राज्य आंध्र प्रदेश, चिल्का झील संबंध राज्य उड़ीसा, लोनार झील संबंध राज्य महाराष्ट्र, पुलिकट झील संबंध राज्य तमिलनाडु, हुसैन सागर झील संबंध राज्य आंध्र प्रदेश, सांभर झील संबंध राज्य राजस्थान, राजसमंद झील संबंध राज्य राजस्थान, पिछौला झील संबंध राज्य राजस्थान, डीडवाना झील संबंध राज्य राजस्थान, फतेह सागर झील संबंध राज्य राजस्थान, जय समंद झील संबंध राज्य राजस्थान, खुरपाताल झील संबंध राज्य उत्तराखंड, सात ताल झील संबंध राज्य उत्तराखंड, नैनीताल झील संबंध राज्य उत्तराखंड, मालाताल झील संबंध राज्य उत्तराखंड, राकसताल झील संबंध राज्य उत्तराखंड, देवताल झील संबंध राज्य उत्तराखंड, नौकुचियाताल झील संबंध राज्य उत्तराखंड, लुनकरन सर झील संबंध राज्य राजस्थान। भारत में सबसे मीठे पानी की झील जम्मू कश्मीर स्थित वुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी और सर्वाधिक खारे पानी का झील है राजस्थान स्थित सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है उड़ीसा स्थित चिल्का झील। वस्तुतः ये खारे पानी की एक लगून झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है पंजाब स्थित गोविंद सागर झील। भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है सिक्किम स्थित चोलहामू झील। उत्तराखंड में गंगा को भागीरथी कहा जाता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 3,900 मीटर की ऊंचाई पर गोमुख के पास स्थित गंगोत्री हिमानी ही गंगा नदी का उद्गम स्रोत है।
गंगा नदी का नाम गंगा तब पड़ा है जब इसके दो नदी शीर्ष अलकनंदा और भागीरथी आकर देवप्रयाग में मिलते हैं। गंगा नदी हरिद्वार से पहले दक्षिण और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इलाहाबाद के निकट इसमें यमुना नदी आकर मिल जाती है, जिसे संगम के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जब पटना पहुंचती है तो पटना के पास इसमें सोन नदी मिल जाती है तथा कुछ आगे चलकर गंडक और कोसी नामक नदियां भी आकर मिल जाती हैं। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थान कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में कुर्ग है। शिव समुद्रम के निकट कावेरी नदी लगभग 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे उतरती है और एक अति सुंदर जलप्रपात का निर्माण करती है, जिसे विद्युत उत्पन्न की जाती है। कावेरी नदी के डेल्टाई प्रदेश में ही तंजौर जिला कर्नाटक में स्थित है, जो अत्यंत उपजाऊ, हरा भरा तथा मनोरम है। तंजौर जिले को दक्षिण का बागीचा कहा जाता है। कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर वर्तमान में तमिलनाडु, कर्नाटक और पुदुचेरी राज्यों के मध्य विवाद छिड़ा हुआ है। कोसी नदी का प्रारंभिक प्रवाह 7 धाराओं मिलामची, भोटिया कोसी, टांबा कोसी, लिखु, दुग्ध कोसी, अरुण तथा 7वां तंबूर से मिलकर होता है। इन्हीं धाराओं को